ओके आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 से। और जो भी बच्चे जुड़े थे आई थिंक कि जुड़ चुके हैं, और सभी को एग्जाम है 28 तारीख से, तो आप लोग तैयारी कीजिए उसके लिए। और फिर भी आप लोगों को 26 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है, अप्रैल और मई महीना का। अप्रैल का पूरा लग रहा है, मई का जैसा बताया गया था कम करके, कारण मालूम है वैसे लगेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4.4 से। यहाँ पे क्वेश्चन है, राकेश परचेज 3 बुक्स एट ₹35.60 ईच एंड 2 पेंसिल एट ₹4.50 ईच। हाउ मच पेंसिल डिड ही हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। मीन्स टू से कि राकेश ने परचेज किया, खरीदा 3 किताब और एक किताब का दाम ₹35.60 था। उसी तरह से उसने खरीदा 2 पेंसिल और एक पेंसिल का दाम ₹4.50 था। तो उस दोनों मिलाकर उसने कितने पैसे खर्च किए, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। ओके, इस तरह से जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसी का स्टेटमेंट लिखते हैं कि राकेश ने खरीदा 3 किताब कितना रुपए का, राकेश ने खरीदा 2 पेंसिल कितना रुपए का। दोनों को जोड़ कर बताते हैं कि टोटल पैसा उसने खर्च किया। देखिए मैं बनाया हूँ और आप लोग भी बनाए होंगे, मैंने होमवर्क किया था। देखिए राकेश परचेज, मैंने यहाँ पे राकेश परचेज करके यहाँ पे रखा है, और उसके बाद फिर नीचे में दोनों का स्टेटमेंट लिखा है। जैसे में 3 किताब, राकेश ने 3 किताब खरीदे, 3 किताब कितना खरीदा, एक किताब का दाम ₹35.60, 3 किताब का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके आप लोग देखिए ₹35.60 मैंने जो है इसको मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये कट गया है इधर। ठीक है, तो ये 35.60 में आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 106.80 आएगा। 2 पेंसिल खरीदा उसने, तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम ₹4.50 था, 2 पेंसिल का मिलाकर इस तरह से ₹9 हो गया। और इस तरह से दोनों जो है पेंसिल और बुक का दाम जोड़ेंगे तो ₹115.80 आ गया। तब लिखेंगे देयर फॉर राकेश स्पेंट मनी इज इक्वल टू, और इस तरह से ये बनेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं ध्यान से। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल शीट इज 4.6 मीटर। एक लंबाई और चौड़ाई जो है रेक्टेंगुलर मेटल शीट का, यानी कि चरखुट मेटल शीट है ना, इस तरह का रेक्टेंगल फिगर होता है, और आप लोग स्क्वायर फिगर जानते हो जिसका चारों साइड इक्वल होता है। ओके, तो ये इस तरह का फिगर है, मतलब सीट है, उसका लंबाई 4.6 है और चौड़ाई 2.4 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ मेटल इज ₹22.50 पर स्क्वायर मीटर, ₹2.50 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लगता है, और पूरा मेटल सीट का दाम कितना होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर मेटल सीट। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखिए पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, तभी तो एक मीटर स्क्वायर एरिया का दिया हुआ है, तो बाकी का निकालेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 4.6 मीटर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज 4.5 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द सीट हम लोग निकालेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू। ठीक है, माउस से मैं लिख रहा हूँ इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड देन एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू 4.6 मीटर इंटू 2.4 मीटर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 इंटू 2.4, देन इट विल बिकम 11.04 मीटर स्क्वायर। तो एक 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ था ₹2.50,
बाकी का पूरा का जो है कॉस्ट ऑफ 11.04 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 27 रुपया 60 पैसा। ओके, इस तरह से टोटल मेटल सेट का दाम यहाँ पे निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हाँ कुछ भी क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कार टेक्स 3.5 आवर, एक कार को 3.5 घंटे लगते हैं, कितने कवर करने में? टू कवर 210 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 918 किलोमीटर? 918 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? ओके, हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या सीधा सिंपल लेवल जाने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। देखिए, जैसे डिस्टेंस जो है जो 3.5 घंटा में 210 किलोमीटर मिल जाता है, तो इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ कार है यानी कि 1 घंटा में जो है कितना जाएगा, तो 1 घंटा में निकालने के लिए 210 में हम लोग 3.5 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो डिवाइड किए हैं तो इसमें ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ये फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो ये जो हमने यहाँ डिवाइड किया है, देखिए 3.5 था तो यहाँ पॉइंट यहाँ हटा के ऊपर में एक जीरो लगा लिया, तो 2100 हो गया, नीचे में 35 हो गया। 35 से 6 बार में 210 हो जाता है और ये जीरो यहाँ लग गया, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। तो अब 918 किलोमीटर कितना समय में जाएगा, तो 918 किलोमीटर में हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से। देखिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला फिर से टाइम का लिख दिया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। इस तरह से 15.3 किलोमीटर आएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने डिवाइड करके दिखाया भी है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए बैग ऑफ राइस वे 3.5 किलो केजी है ना, किलोग्राम, यानी कि एक घोड़े चावल का वजन 3.5 किलो है, 3.5 किलो चावल का घोड़ा बनाया गया, छोटा छोटा पैकेट बनाया गया है, बैग बनाया गया है। एंड ए टीन ऑफ पाउडर मिल्क पाउडर वे 830 ग्राम, और एक छोटा मिल्क का टीन है जिसमें कि 850 ग्राम है वजन। तो फाइंड द टोटल वेट ऑफ 3 बैग। तो ऐसे ऐसे यदि 3 बैग हो जाए चावल, और ऐसे ऐसे दूध का डब्बा जो है 6 टीन हो जाए, तो टोटल वजन कितना होगा? और आपको सारे को किलोग्राम में दिखाना है, क्योंकि देखिए दूध का जो वजन है वो 850 ग्राम दिखाया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको 850 ग्राम को ग्राम में नहीं किलोमीटर में हम लोगों को दिखाना है, किलोमीटर में करके दिखाना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको मैं डिटेल कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, आप लोग कुछ बात कर रहे हो प्लीज मेरे से बोलो। 3 में सब्सक्राइब का निकाल देंगे, 3 गुना इतना 6 गुना 0.850 को कर देंगे, उसके बाद जितना प्लीज आप लोग होगा आपस में बात प्लस मत मार करो। देंगे। तो इस तरह से देखो, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस जो है वो 3.5 केजी हो गया, एक बैग चावल। तो 3 बैग चावल का दाम, अरे के वजन निकालेंगे, वेट ऑफ 3 बैग इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3 यानी कि 10.3 ग्राम।
केजी हो जाएगा यहाँ से। उसका वेट ऑफ वन टीन ऑफ मिल्क जो है 850 ग्राम है, तो 16 का जो है 5100 ग्राम हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग कि एक केजी में 1000 ग्राम होता है, इसीलिए 1000 से हम लोग 5100 ग्राम में डिवाइड करेंगे, तो ये 51/10 आ जाएगा, यानी 5.1 केजी आ जाएगा। अब देखिए टोटल वेट ऑफ 3 बैग और राइस एंड 16 मिल्क जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, 5.1 प्लस ये 10.5, तो ये देखिए 10.5 प्लस 5.1 को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 15.6 केजी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 5 लेके समझाएंगे, कल के क्लास में हम लोग उसके आगे समझेंगे, लेकिन आप लोग बना कर रखेंगे। शीला मेजर्स ए वाइट बोर्ड विथ हर हैंड स्पैन। शीला ने वाइट बोर्ड को अपने बिट्टा से नापा, हैंड स्पैन इज बिट्टा, ओके। तो आपने हैंड स्पैन से नापा और पाई की 28 हैंड स्पैन लॉन्ग है बोर्ड। हर हैंड स्पैन इज 18.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका हैंड स्पैन 18.4 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताइए कि व्हाइट बोर्ड कितना लंबा है, यानी कि हम लोग को व्हाइट बोर्ड को सेंटीमीटर में पता करना है। इसको निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है। लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड इज ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आंधी आ रहा है शायद, इसलिए हम लोग क्लास जल्दी जल्दी खत्म कर लें। तो लेंथ ऑफ व्हाइट बोर्ड जो है 28 हैंड स्पैन था और वन हैंड स्पैन इज इक्वल टू 18.4 सेंटीमीटर है, इसीलिए पूरा व्हाइट बोर्ड यदि देखें तो 28 × 18.4 सेंटीमीटर होगा, और ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 515.2 सेंटीमीटर लॉन्ग आएगा। सो फ्रेंड्स, ये आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 5 क्वेश्चंस, आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट क्वेश्चन। आप बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैं अंकित कन्नू एंड दिस शिवानी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन? ओके, तो आप लोग को कैसा लग रहा है, ये जूम ऐप से क्लास लेना ठीक लग रहा है कि वो व्हाट्सएप में? यस सर, बहुत अच्छा है, जूम ऐप ज्यादा अच्छा है। नो सर, जूम क्लास, यस सर, जूम क्लास में अच्छा है। ओके, तो आज के क्लास यही एंड करते हैं, और आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप लोग को मालूम है कितना चैप्टर दे रहे हैं एग्जाम में, बोलिए। बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गया ना, 4 चैप्टर हो गया हम लोग का, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग को चैप्टर 1, 2, और 3 ही देना चाहिए क्या? ओके सर। ओके, मैं एक केस क्वेश्चन भी दे दूंगा आप लोगों को, और मतलब चारों मतलब आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 तक आप लोग को प्रोसेस करना है पूरा बनाने का। ओके ओके सर, तो आप लोग अभी फिलहाल बनाइएगा 4.4 होमवर्क में और प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर 1 से। मैं एंड करता हूँ क्लास वहीं पे। थैंक यू स्टूडेंट। यस सर, थैंक यू सर।